आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया है। ऑडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जाँच शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैशे मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैशे मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की हैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाजिल की है, अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुत कदा गिरेगा, मस्जिद बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया और इस दौरान सट्टोरियों के घर से इतने रुपए बरामद हुए कि नोटों का पहाड़ लग गया। इतने रुपए मिले कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। कैसे चल रहा था सट्टेबाजी का ये खेल, आइए जानते हैं। नोटों का ये पहाड़ जिसने भी देखा दंग रह गया। सट्टेबाजी की काली कमाई है ये। नोटों की इतनी गड्डियां कि पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 15 करोड़ रुपए है ये। उज्जैन पुलिस ने सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दीपुरा इलाके में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर छापे की कार्रवाई कर करोड़ों कैश के साथ ही चांदी की सिल्लियां, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पोलिश मुद्रा, नेपाली रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
करेंसी का भी असेसमेंट कराया जा रहा है, इसमें यूरो भी है, डॉलर्स भी है, पाउंड भी है, हंगरी की करेंसी भी है, अलग अलग 7 देशों की करेंसी है जिसका भी असेसमेंट जो वैल्यू है उससे कराया गया। अभी जो 9 लोग हमने पकड़े हैं ये पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर अभी आए थे और इसके संपर्क में अलग अलग जगह पे आए थे, इसने यूके में जाके ये इस तरह से बेटिंग करना लंदन एक्सचेंज पे सीखा था और ये लोग पंजाब और निबाहेड़ा नीमच के रहने वाले हैं, ये इसके संपर्क में आए थे और यहाँ पर इसके घर में आके निवास करते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्रीम्स कॉलोनी के एक मकान में बिल्डर पीयूष चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा है, उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी। यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे बांग्लादेश नीदरलैंड मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिम समेत कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष चोपड़ा घर से ही सट्टा संचालित करता था, इसमें मुनाफा होने पर उसने अपनी टीम भी बना ली थी। बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, इसके लिए हमने बहुत जल्दी 1-2 घंटे के अंदर एक NOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाए। बताया जा रहा है कि एक बार में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का धंधा होता था। धंधा कितना करना है ये सब पीयूष ही बताता था। एक मैच में करोड़ों रुपए के हार जीत की बाजी लगाई जाती थी। पुलिस ने पीयूष के घर से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि पीयूष परिवार के साथ लातविया देश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है।